गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। और सुबह सुबह इतनी बढ़िया हुई है ना भाई साहब, रात को इतनी बढ़िया जिसे कहते हैं नींद आई थी। हिल्स पे सबसे अच्छी बात ना EQI बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लो हो जाता है, अपने शहरों में तो बहुत बुरा हाल है। और हम सुबह उठे हैं, हमने सुबह सोचा कि पहले घर की सफाई कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हो वहीं पर चल रहा है, वहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा है। तो हमने एक रूम कर लिया है क्लियर, और अभी बालकनी चल रही है, काफ़ी गंदगी है और डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है शहरों में। इतनी एक दिन घर ना धो ना, इतना बुरा हाल हो जाता है कि बस आखिर हो जाता है। तो काम करते करते थोड़ी सी भूख लगने लगी, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। हमने ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फ्रूट्स काटे हैं, और यहाँ पर ब्रेड है, बटर है, चाय है, और ये है राफे। हेलो, के साथ हमारी घर की क्लीनिंग हो चुकी है। घर काफी साफ हो गया है, हमने वाइपर कर लिया, पोछा लगा लिया, सब कुछ क्लीन है। और अब मैं आपको थोड़ा सा घर दिखाता हूँ। और घर साफ करने के बाद ना अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि आप साफ हो गए, अब नहाएंगे और नहाने के बाद घूमने निकलेंगे। बट पहले मैं आपको थोड़ा सा घर दिखाता हूँ। सो दिस इज द ड्राइंग रूम, जहाँ पर हमने सफाई की है और साफ हो गया है। एंड दिस इज द बेडरूम जो कि क्लीन है, और यहाँ पर हल्की सी ना बालकनी भी है। किचन नहीं दिखाऊंगा, किचन काफ़ी गंदा है। एंड दिस इज़ दी अदर रूम, जैसे आप मेन रूम बोल सकते हो। इसमें भी बड़ा अच्छा ना व्यू आता है पीछे की तरफ से, और इधर बालकनी है, एक छोटी सी बालकनी इधर है। ये एक रूम है बस, यहाँ पर थोड़ा सा ना सामान वान रखा हुआ है, बाकी एब्सोल्युटली अमेजिंग। रात काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी गाइस, कैप वगैरह सब पहनने लगे था, धूप थोड़ी सी अच्छी सी निकल आई है। तो हमारा ये घर था खाला का, और खाला घर बहुत ज़्यादा अच्छा है। हिल स्टेशन पर घर होने का मज़ा अलग है, और आप सुकून से आओ, अपना खाना बनाओ। अभी खाना बनाया हमने, रात भी दाल चावल बनाए थे, बहुत अमेजिंग बने थे। इस टाइम हम कुछ और बना रहे हैं, थोड़ा सा खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद नैनीताल चलेंगे और वहाँ घूमेंगे। लोग रेडी होके निकल पड़े हैं नैनीताल के लिए, और नैनीताल और भवाली के बीच का जो रास्ता है वो करीबन यहाँ से है 9 किलोमीटर, तो भवाली से 10 या 11 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। चलते हैं, रास्ता बहुत खूबसूरत है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ आएंगे, तो हम रास्ता भी आपको दिखाते हैं और इन्जॉय कीजिए। रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया वाला व्यू हमें मिल गया, हमने सोचा यहाँ पर कुछ फोटोज़ खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ फोटोज़ खींचे, तो व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, ये पहाड़, अपनी गाड़ी खड़ी है, राफे आगे नहीं जाओ। ये देखिए, मज़ा आ रहा है। तो अब यहाँ से थोड़ी दूर रह गया है नैनीताल, जल्दी से चलते हैं, नैनीताल भी एक्सप्लोर करना है। इतना हसीन रास्ता है ना, जगह जगह रुकने का दिल करता है, जगह जगह आप रुक के फोटोग्राफी करोगे, इतना बढ़िया रास्ता है। बट क्या करें, घूमना तो है, घूमना इसी को कहते हैं। नैनीताल आए और बोटिंग नहीं की, तो फिर काम अधूरा रह गया। हम फिलहाल हैं लेक के अंदर और इन्जॉय कर रहे हैं बोटिंग को। मेरे साथ आई हैं, आइया का रंग उड़ा हुआ है, ऐसे कहता है चेहरे का डर के मारे। राफे देखो कितना सही इन्जॉय कर रहे हैं। हे ओ हे, तो ये देखो आप, पूरा एक व्यू ना, बढ़िया मौसम हो रहा है। तो ये करीबन 420 का टिकट मिला है भैया के लिए, हमने लिया है। तो हम बड़ा वाला चक्कर काट के आएंगे, वहाँ पर मेन सेंटर में ड्राम पड़ा हुआ है, वहां तक जाना है। और नदी के अंदर ना छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं, बहुत सारी। हाय राफू, मजा आ रहा है? हेलो आइया, आइया तो।
आइए पीछे को जाए यार, और पीछे। कुल मिला के ताल का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, हल्की सी धूप भी है, कभी धूप आ रही है कभी छांव है, बढ़िया। क्यों भाई राफो? राफे बाइनोकुलर ले लिया राफो ने, वो बाइनोकुलर से पता नहीं क्या क्या देख रहा है भाई, इसमें दूसरी जगह की वोट में देख रहा है। क्यों कितना मजा कर रहे लोग। तो ये है मालरोड और हम तो डरपोक नहीं है भाई, मैं तो आराम से बैठा हूँ, तेरी मम्मा डर रही है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर मालरोड पे भी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और लास्ट में हम जाएंगे सामने की तरफ जहाँ पर हमें तुक्का मारना है। ये अभी हुई है क्या लंच राइड वाली? 2021 में हुई थी तो पूरा भर गया था पानी यहाँ पे। तो हम यहीं थे 2021 जिस दिन बारिश स्टार्ट हुई है, हम लोग बारिश में नीचे उतरे हल्द्वानी और बस हमारे उतरते के साथ ही अगले दिन लगातार बारिश थी, बड़ा खतरनाक। कितना पानी भर गया था इसका? मॉल रोड पे पानी था, अंकल के सरदार जी की दुकान में पानी नहीं था, पूरी दुकान में पानी था। और वो नहीं है जहाँ पर मेंढक पत्थर वहाँ पर मैं पहुँचा जब, तो 3 दिन लाइट नहीं थी यार, उन्होंने इतना कह रहे भैया ना कोई लाइट थी ना कुछ थी, रात के टाइम इतना डर लग रहा था ना उन्होंने, 3 दिन लगातार बारिश हुई थी, 3rd दिन जाके बारिश रुकी थी तब जाके कुछ हालात ठीक हुए थे, अदरवाइज तो माल लोड पूरा ऐसे कहता ना, माल लोड पे पानी भर गया था, इतना बुरा हाल हुआ था। तो भैया ये इधर की रोड तो खत्म हो गई होगी फिर लैंडस्लाइड से? तो काफी ज्यादा भीड़ नहीं है, ये ड्रम एक ही जगह रहता है बांध रखा हो जिस चीज बना हुआ पत्थर से बांध, और क्या मछली पकड़ना अगर मना नहीं होता तो इतनी सारी मछलियां नहीं होती, बोट वाले एक ही मछलियां खा जाते सब पका के यहीं खा रहे होते रोज रात को, यही पार्टी हो रही होती। कह रहा भाई चलो मछली खाते हैं आज, आज क्या दबा दो मछली, अलाउड नहीं है तो मछली पकड़ने 6 महीने की सजा, 1000 रुपए का जुर्माना। 6 महीने की सजा है यहाँ पर मछली पकड़ने की, और क्या है 1000 रुपए जुर्माना। और लोग वो भी डाल देते हैं ना मैदा वैदा, यार वो नहीं डालना चाहिए यार, मैदा की पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देते हैं लोग, मैदा डालना मना है ना क्योंकि उसमें ईस्टर डाला रहता है, मछलियाँ मर भी जाती है। तो बहुत सारे लोग ना ये पैडल वाली बोट भी ले लेते हैं, बट मजा इस वाली बोट का ही है, मतलब खुद ऑपरेट हो जाती है ना, पैडल होता है ना लगे हुए। अभी हम जा रहे हैं पहाड़ी स्टोर, ये पीछे की तरफ पहाड़ी स्टोर है, यहाँ पर ना सीधा जिसे कहते हैं ना नेचुरल ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी, बोटिंग करके हम लोग खुश हो गए। बाकी अब चलते हैं अंदर और थोड़ी सी शॉपिंग निपटाते हैं, थोड़ा कुछ सामान आइए को भी लेना है और अभी कुछ लोगों ने सामान मंगाया है स्पेशली, तो अंदर चलते हैं और आपको मैं पहाड़ी स्टोर दिखाता हूँ। तो अभी हमें द भवन लेक कैफ़े जहाँ पर का थुपका, जैसे कहना है थुपका सॉरी, मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। तो ये है लेक के साइड में और आप देख सकते हो ये यहाँ पर नैनीताल का जो मेन रोड है ना उससे आते हैं जो भवाली की तरफ भी चला जाता है बस स्टैंड, और यहाँ पर है कैफ़े। आज भीड़ नहीं है नैनीताल में माल रोड पर, तो आराम से ना गाड़ी पार्क्ड हो गई, हमने कैफ़े के बाहर ही पार्क कर दी, दो अलाउड नहीं है, बट ये है कि आज ट्रैफिक नहीं है इसलिए भैया ने ही लगवा दी। तो भैया के हाँ यार क्या मिलता है अगर आप नैनीताल आ रहे हो बॉस, यहाँ का थुक्पा ट्राई करना बनता है, सीरियसली इतना यमी होता ना, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं अंदर और राफी को पेस्ट्री चाहिए थी, हमने पेस्ट्री ऑर्डर कर दी है। तो जी थुक्पा आ चुका है और ये देख सकते हैं आप सूप और साथ में है नूडल्स और उसमें है चिकन जो कि हलाल है, आइए ट्राई कर रही है।
तो आपको सूप ना इसमें मिक्स करना है बेसिकली। सूप लीजिए, सूप डालो इसमें, आप स्पून में भी डाल सकती हो। स्पून हम हाँ। तो बहुत सारा ना इसमें इसमें ही ऐड कर देते हैं। गरम हो रहा है? हाँ गरम तो हो गए। कैसा है दोस्त? हम तो बहुत बार खा चुके हैं। अच्छा अच्छा है ना, एंड दिस इज ऑथेंटिक थुक्पा। तो गाइस हमने थुक्पा खा लिया है और अब थुक्पा खाने के बाद हम निकल रहे हैं भवाली के लिए। हल्की हल्की सी ठंड भी होने लगी तो मैंने कैप पहन ली है। गाड़ी में हूँ तो जैकेट नहीं पहनी है। राफे ऑलरेडी कैप वैप पहन चुका है और शायद इसी ठंड की वजह से कॉफी बहुत लगेगी। हाँ थुक्पा जहाँ हमने खाया द भवन लेक कैफे पे, वहाँ पर कॉफी भी बहुत अमेजिंग थी और प्राइस बहुत रीजनेबल। 320 रुपए का हमारा, दो कॉफी पेस्ट्रीज, एक राफे का बर्गर एंड देन थुक्पा, हम सारी चीजें लेके आए। तो अभी भवाली निकल रहे हैं। इस एपिसोड को गाइज ही एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करेंगे। बाकी जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरे एंड से सायनारा। तो नैनीताल हम पहुंच चुके हैं और नैनीताल में हम बैठ चुके हैं। सॉरी